सोनिया गांधी ईडी ऑफिस पहुंची, सड़क से लेकर संसद तक कांग्रेस का प्रदर्शन। रानिल विक्रमसिंघे ने श्रीलंका के राष्ट्रपति पद की ली शपथ। यूपी की कानून व्यवस्था पर बीएसपी प्रमुख मायावती ने खड़े किए सवाल, कहा राज्य में फैशन बन चुका है एनएसए। यूपी में आसपास से कहर बनकर गिरी बिजली, 12 की मौत, सीएम योगी ने किया 4-4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान। श्रीला यादव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। उत्तर प्रदेश की सत्ता पर लगातार दूसरी बार काबिज होने वाली योगी आदित्यनाथ सरकार ने 100 दिन का कार्यकाल पूरा होते ही सरकारी कर्मचारियों की बेहतरी के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। इसी क्रम में योगी आदित्यनाथ सरकार प्रदेश के 22 लाख से अधिक सरकारी कर्मियों तथा पेंशनर्स को पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना का लाभ दे रही है, जिसका शुभारंभ सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज दोपहर 12 बजे लोक भवन के ऑडिटोरियम में किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के अंतर्गत प्रदेश के 22 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। इस योजना के तहत कर्मचारियों को हेल्थ कार्ड मिलेगा, जिसमें यूनिक नंबर दिया जाएगा। उनके साथ ही उनके परिवार के अन्य सदस्यों को भी इसका लाभ मिलेगा। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को कैशलेस इलाज की सुविधा मिलने का सिलसिला 21 जुलाई से शुरू हो जाएगा। इन परिवार को आयुष्मान योजना में सभी निजी अस्पतालों में प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक के इलाज की मुफ्त सुविधा मिलेगी, जबकि सरकारी अस्पतालों में इलाज का पूरा खर्च सरकार उठाएगी। राज्य के कर्मचारियों को, जो हमारे 22 लाख राज्य के कार्मिक हैं और सेवानिवृत्त पेंशनर्स हैं, जो कार्मिक हैं, इन सब के लिए हम लोगों को एक ऐसी स्कीम देनी चाहिए कि वे सरकारी हॉस्पिटल में वे किसी भी प्रकार की बीमारी हो, वहाँ पर कैशलेस उपचार की सुविधा, असीमित सुविधा जो भी वहाँ पर हो सकती हो, सरकारी हॉस्पिटल में उनको मिले। इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में स्टेट हेल्थ कार्ड के माध्यम से प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर, और अगर उससे ज़्यादा लगता है तो फिर उसके बारे में अलग से उसकी व्यवस्था करें, जिससे उस स्टेट हेल्थ कार्ड के माध्यम से उसे डाउनलोड करके कोई भी व्यक्ति कहीं भी जाएगा, वहाँ पर जा करके उस कर्मचारी को या पेंशनर्स को या उसके आश्रित को किसी भी प्रकार की चिकित्सा सुविधा के लिए तरसना ना पड़े। आज एक कार्यक्रम का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है और उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जो इसको प्रारंभ कर रहा है। मैं इसलिए आपको बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आप जानते हो कि जब कोई गरीब के घर में बेटा पैदा होता है तो पिता की मन में ये इच्छा होती है कि हम तो झोपड़ी में पैदा हुए लेकिन हमारा पुत्र टपकते हुए झोपड़ी में न रहे। इन प्रकार वो उसके लिए पक्का मकान बनाने का प्रयास करता है। उसको चिंता को दूर करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, और आप सबको एक बीमारी की चिंता होती, जैसे हम 40 क्रॉस करते हैं तो मुझे लगता कोई बीमारी आएगी तो अचानक पैसे कहाँ से आएंगे, धन कहाँ से आएगा। कर्मचारी भाइयों की मुसीबत को मैं समझता हूँ। प्रातःकाल 8 से लेकर रात 8 तक आप लोग काम करते हो, विपरीत परिस्थितियों में काम करते हो, बच्चों को छोड़ करके काम करते हो। आपकी वजह से ही हमारा शासन प्रशासन काम कर पाता है। आप हमारी धुरी हो, आपके बगैर हम लोग काम नहीं कर पाएंगे। जानकारी के लिए संवाददाता गौरव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, आज जिस कैशलेस चिकित्सा का सौगात 22 लाख सरकारी कर्मचारियों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया है, क्या है ये कैशलेस चिकित्सा योजना? देखिए, योजना के तहत जो प्रदेश के 22 लाख कर्मचारी है उनके लिए कैशलेस योजना लाई गई है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय चिकित्सा सुविधा योजना है, कैशलेस योजना के इसके माध्यम से जो 22 लाख कर्मचारी है वो उसके साथ साथ जो तमाम पेंशनर्स है उनके आश्रित है, क्योंकि जो जिनकी मृत्यु हो चुकी है अनुकंपा नियुक्ति मान लें या पेंशनर्स मान लें, उनके आश्रित मान लें, तो लगभग ऐसे लोग 75 लाख ऐसे लोग हैं और वो सारे लोग इससे जो उनकी योजना है लाभ होंगे। और इस योजना के तहत किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जो कैशलेस इलाज हो सकेगा उसके लिए निःशुल्क इलाज रहेगा, जिसका भुगतान सरकार करेगी। तो निश्चित रूप से योजना बहुत अच्छी है और उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जो अपने सारे कर्मचारियों के लिए, उनके आश्रितों के लिए और पेंशनर्स के लिए इस तरह की योजना लेके आए हैं।
जी, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया गौरव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता व बिहार के पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन की पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान सीएम के साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे और उन्होंने अपनी कुछ स्मृतियों को तो अनकहा लखनऊ अपनी कृति के माध्यम से भी समाज को देने का प्रयास किया। आज वे भौतिक रूप से हमारे बीच नहीं, उनकी पहली पुण्यतिथि पर यहाँ पर यह भव्य प्रतिमा स्थापित की गई। उनके पुत्र लोकप्रिय विधायक त्यागतोष टंडन जी के नेतृत्व में नगर निगम ने, प्रदेश शासन ने इस पूरी व्यवस्था को उनकी पुण्यतिथि, पहली पुण्यतिथि पर उनकी स्मृतियों को जीवंत बनाए रखने के लिए यहाँ पर आयोजन किया था और आज उनकी द्वितीय पुण्यतिथि है। मैं श्रद्धेय टंडन जी को उनके सार्वजनिक जीवन में किए गए योगदान को, लखनऊ के समग्र विकास को, श्रद्धेय अटल जी की सपनों को साकार करने के लिए जिन्होंने प्रयास किया, भारतीय जनता पार्टी के एक जमीनी कार्यकर्ता से लेकर के और पूरी विचारधारा को एक नई ऊंचाइयों तक ले जाने में जो योगदान उनका था वह विस्मरणीय है। मैं इस अवसर पर उन्हें प्रदेश सरकार की ओर से, पूरे प्रदेशवासियों की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वहीं हरदोई के मलावा ब्लॉक में प्रशासन की बड़ी लापरवाही का वीडियो सामने आया है। यहां पंचायत चुनाव की नामांकन प्रक्रिया चल रही है, जहां पर नामांकन के सारे कानून और कायदे को प्रशासन ने ताक पर रख दिया है। यह पांच पर्चा दाखिल करने आ रहे उम्मीदवारों को टॉर्च की रोशनी में नामांकन दाखिल करना पड़ रहा। हालांकि इस मामले को लेकर डीएम अविनाश कुमार ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि चुनाव प्रक्रिया से पहले ही सारी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त रखने के निर्देश दिए गए थे। ब्लॉक में जनरेटर और पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए थी। मलावा के बीडीओ से स्पष्टीकरण के लिए नोटिस जारी किया गया है। फरीदाबाद में अवैध खनन के दौरान बलिदान हुए डीएसपी सुरेंद्र सिंह को हिंदू संगठन बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के बल्लभगढ़ के अंबेडकर नगर चौक पर कार्यकर्ताओं समेत पहुंचकर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही विश्व हिंदू परिषद के जिला महामंत्री महिपाल सोलंकी ने कहा सुरेंद्र को जल्द से जल्द न्याय दिलवाया जाएगा। ये कार्यक्रम हमारा बजरंग दल की तरफ से है और ये जो डीएसपी साहब का वहाँ पर ट्रक से इन्होंने कुचला है जिहादियों ने, उसके लिए हमने आज श्रद्धांजलि सभा रखी है। यहाँ पर सभी बजरंग दल की तरफ से श्रद्धांजलि सभा, जो आगे चल के ऐसा प्रशासन हम चाहते हैं कि प्रशासन पूरा कानून, प्रशासन नाम का कानून नहीं है, कानून का काम करे और ढंग से इस केस को ठीक किया जाए, जिससे ये बड़े बड़े मगरमच्छ हैं सब पकड़े जाएँ। आज का जो हमारा ये सभा थी, इसमें डीएसपी जो सुरेंद्र सिंह जी की निर्मम हत्या जिन व्यक्तियों के द्वारा भी की गई है, उन व्यक्तियों को कठोर से कठोर दंड मिले। गाजियाबाद में जिला अस्पताल के पास में बाइक चोरी की घटनाएं थमने का नाम ही नहीं ले रही हैं। आए दिन दहाड़े बाइक चोर घटना को अंजाम देते रहते हैं। इसके पहले भी कई बार बाइक स्कूटी चोरी हो चुकी है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी कैमरे की मदद से चोरों की तलाश में जुटी है। वही सुबह अपने ऑफिस टाइम पे ऑफिस आया, मैंने बाइक अपनी पार्किंग में बाहर खड़ी कर दी थी। जब मैं अपने आप कार्य समाप्त करके बाहर निकला तो मैंने देखा मेरी बाइक वहां पर नहीं थी। सीसीटीवी में देखने के बाद मुझे मालूम पड़ा कोई अनजान व्यक्ति मेरी बाइक वहां से लेके गया। मेरी बाइक पैशन प्रो है, जिसका नंबर UP 82 AC 84 12 है, रंग काले कलर की बाइक है। परसों दोपहर 2:16 पर मेरी बाइक चोरी हुई है जिला चिकित्सालय MMG से। मैं प्रशासन से अनुरोध करता हूं कि मेरी बाइक ढूंढवाने में कृपया मदद करें।
हरदोई में बीएसएनएल के कर्मचारियों की मिली भगत से आधार कार्ड बनाने के नाम पर बीएसएनएल का सिम कार्ड बेचे जाने का मामला सामने आया है। दरअसल बीएसएनएल ऑफिस में आधार कार्ड बनाने वाली कंपनी के कर्मचारियों ने आधार कार्ड बनाने से पहले प्रति व्यक्ति 250 रुपए वसूलने का काम किया जा रहा है। सिटी मजिस्ट्रेट ने दल बल के साथ छापेमारी की तो इस गोरख धंधे का खुलासा हुआ। छापेमारी के दौरान पुलिस को देखकर काम कर रहे तमाम कर्मचारी मौके से फरार हो गए। मौके पर बड़ी तादाद में बीएसएनएल में सिम बरामद किए गए। इस मामले में सिटी मजिस्ट्रेट ने मुकदमा दर्ज कर कंपनी और कंपनी के कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बच्चे का नाम चेंज संशोधन करवाने आए थे। कहाँ पे? बीएसएनएल लिखा है वही, हम जानते हैं बीएसएनएल में आए थे। फिर क्या हुआ? अब उन्होंने हमको एक, हमने कहा कि नाम संशोधन करवाना, वहाँ से फॉर्म भरवाया, यहाँ पे आए तो उन्होंने पहले कहा कि नाम चेंज करवाना तो 150 रुपये, हमने कहा फ़ोटो भी चेंज करें तो 200 रुपये लिए हमसे, बस टोकन दे दिया, कहा बैठो बनेगा बस। सिम अभी नहीं दिया वो, अब ये तो इनको बताना चाहिए ना कि सिम पहले देंगे कि सिम अगर लेंगे तो बनेगा वरना नहीं बनेगा। ये बीएसएनएल का कार्यालय है जहाँ पर इन्होंने अपने एक पार्ट को जो है आधार कार्ड बनाने के लिए दे रखा है, जिसमें आकर मेरे द्वारा जब लोगों से पूछताछ की गई, क्योंकि इस बात की पूर्व में शिकायत प्राप्त होती रही है कि अनाधिकृत रूप से ये ठेकेदारों को बैठा करके पैसा लेते हैं। जैसे नए आधार कार्ड बनाने का कोई भी पैसा नहीं लगता, उसी प्रकार से अगर कोई भी मॉडिफिकेशन, संशोधन या परिवर्तन किसी भी आधार कार्ड में होता है तो उसमें 50 रुपये लगते हैं, लेकिन यहाँ ये लोग ये जानकारी करने पर पता चला है कि ज़बरदस्ती ये सिम देते हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है, एक परिवार में अगर चार लोग हैं, एक व्यक्ति एडल्ट है और तीन माइनर है, तो ये कंपलसरी करते हैं कि चारों को ले जाना है। तो अभी हम लोगों ने जो है उसकी जाँच की है, सभी लोगों का बयान भी लिया है, 20-25 लोग यहाँ पर उनसे हम लोगों ने वार्ता की है और ऐसा सुनिश्चित करने। संतकबीरनगर दूधारा थाना क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग बच्ची से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है, जबकि आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। वहीं इस मामले पर पुलिस की कार्रवाई होने से आरोपियों द्वारा पीड़ित बच्ची और परिजनों को धमकी दी जा रही है, जिसके बाद अब पीड़ित बच्ची के परिजन एसपी दफ्तर पहुंचकर न्याय की गुहार लगा रहे हैं। मेरा नाम खुशी है। खुशी, आज एसपी ऑफिस आई हो, किस लिए आई हो, क्या मामला है? ऑफिस इसलिए आए क्योंकि जो मेरे साथ छेड़खानी करते हैं वो, उनकी गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है और पुलिस लोग भी मिले हुए उन लोगों को संरक्षण दे रहे हैं, उन्हें बचा रहे हैं। और मैं स्कूल जाती हूँ तो वो लोग गांव में मुझे छेड़ते हैं, बाग में, उसके बाग है ना वहाँ पे, तो वो लोग मुझे छेड़ते हैं, बोलते हैं मुकदमा उठा लो वरना अभी तो हाथ बस पकड़े थे, अभी आगे क्या हो सकता है, तुम ही समझती हो। कौन लोग हैं वो? ग्राम के प्रधान के लड़के लोग, वो लोग ऐसे बोलते बोलते वो मुकदमा उठा लो वरना अभी हाथ ही पकड़े हैं, अभी आगे देखो तुम क्या क्या होता है। मेरे भाई को भी इधर उधर बोलते हैं कि मतलब मुकदमा उठा लो, मम्मी को डराते धमकाते हैं। जो लोग मेरे साथ स्कूल जाते थे लड़कियां, कुछ वो लोग भी मेरे साथ अब स्कूल नहीं जाती हैं, अब उनके डर के मारे। तो आज जो एसपी एप्लीकेशन दिया, क्या कहें कप्तान? अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी क्षेत्र में एलआईयू बिल्डिंग के पास बाइक सवार दो अज्ञात बदमाशों ने व्यापारी के साथ मारपीट और लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। इसके साथ ही बाइक के साथ भी तोड़फोड़ की, जिसके बाद दोनों बदमाश मौके से फरार हो गए। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल व्यापारी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मेरे साथ है ना, हुई है कि वारदात हुई, लूटपाट हुई है राइवन पार्टी के बाहर, घर के बाहर दो जने थे, कुएं नहीं है, मोटरसाइकिल भी उठा के ले जा रहे थे, वो तो मोटरसाइकिल मैंने रोक ली, फिर उसके बाद तोड़फोड़ करी, उन्होंने तोड़ गए मोटरसाइकिल पे थे, मैं भी वाइफ पे था, हाँ रोक के तब उसके बाद में लूटपाट करी है। तो जब तो मारिए बंदूक वो थी, बट मारिए जब उसके हाथ में वो थी, 25,000 रुपये तो फाड़ के ले गए जब मैं रखे थे मेरे पास, मारपीट गए, हाँ छीन के चक्कर में। हरदोई में पिहानी ब्लॉक में अधिकारियों के मनमानी का मामला सामने आया है। बीडीसी उम्मीदवार के 3 दिन तक सरकारी दफ्तर के चक्कर काटने के बाद भी उसे नामांकन करने के लिए पर्चा नहीं दिया, जिसे नाराज प्रत्याशी ने आरओ और एआरओ अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रत्याशी ने कहा है कि ब्लॉक प्रमुख कुशी वाजपेयी के भाई तुषार वाजपेयी चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हें निर्विरोध जिताने के लिए उन्हें पर्चा नहीं दिया जा रहा है। पर्चा दाखिल किया, मैं दो दिन से परेशान था, हमको 20 तारीख को पर्चा मिला 9:30 बजे, तब मैंने आज का नामांकन किया है। आपको क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत की नोटिस मिली? नहीं।
नहीं मिली, तो पर्चा किस पे दाखिल किए थे? नोटरी से मैंने एफिडेविट लगाया है नोटरी का। आप क्या चाहते हैं? हमारा पर्चा कैंसिल नहीं किया जाना चाहिए। आपका पर्चा कैंसिल नहीं किया जाना चाहिए, यही चाहते हैं आप? ठीक है। मुझे यारों ने पर्चा नहीं दिया, मैंने उन्हें रिक्वेस्ट किया। उसके बाद में जब मैं जाता था तो सारे ब्लॉक में ताला पड़ते थे। मेरे पास उसके प्रूफ भी हैं। मैंने यारो साहब से रिक्वेस्ट भी किया, हाथ भी जोड़ा, पर्चा दे दीजिए। माननीय प्रमुख जी के भाई तुषार वाजपेयी ने कहा मैं प्रत्याशी हूँ, इसीलिए पर्चा नहीं मिलेगा। और 3 दिन आज भी ब्लॉक गया था, पर्चा नहीं दिया गया। 3 दिन दौड़ते हुए किसी दबाव में पर्चा नहीं दिया गया, क्योंकि वो निर्वोध होना चाहते थे। इसीलिए ये शासन की मंशा के खिलाफ है कि कोई प्रत्याशी चुनाव लड़ना चाहे। आपके इसी मीडिया माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी, मेरे द्वारा व्यक्तिगत रूप से आरओ से इस संबंध में बात की गई है। आरओ द्वारा बताया गया कि पर्चे पर्याप्त मात्रा में सभी को दिए जा रहे हैं। यदि किसी प्रधान को इस तरह की कोई शिकायत। शाहजहांपुर में कुटार थाना क्षेत्र में कुटार थाने के पास जीजा साले के बीच जमकर मारपीट हुई। वहीं खड़े कुछ लोगों ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। फिलहाल इस मामले में पुलिस की तरफ से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। और ये में बेला थाना क्षेत्र के दौलतपुर गांव में एक हगी घर के 4 लोग करंट के चपेट में आ गए, जिनके आनन फानन में 4 लोगों को आसपास के लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर 2 लोगों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया और 2 लोग का भी इलाज चल रहा है। घर में करंट आने का कितने बजे लग गए? वही लगभग 2:25 रात में। घर में कौन कौन सदस्य थे? जगदीश चंद, उनकी वाइफ, उनका लड़का, उनकी लड़की पत्नी। फरीदाबाद की इन तस्वीरों में मुंह पर मास्क लगाए दिखाई दे रहे शख्स हरियाणा पुलिस के सब इंस्पेक्टर और फरीदाबाद की सेक्टर 16 पुलिस चौकी के इंचार्ज कृष्णा कुमार है। शिकायतकर्ता दुष्यंत शर्मा ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि कुछ दिन पहले उनके दोस्तों का रोड पर चलते समय झगड़ा हो गया था, जिसे उन्होंने बीच बचाव कर छुड़वाया और उस मामले में पुलिस से कंप्लेंट भी हुई थी। आगे दुष्यंत शर्मा ने बताया कि पुलिस उनसे पैसा की मांग कर रही थी, जिसकी शिकायत उन्होंने बिजनेस विभाग के डीजीपी शत्रुजीत कपूर से की, जिसके बाद उन्होंने अपने डीएसपी कैलाश चंद्र के नेतृत्व में टीम बनाई और सब इंस्पेक्टर कृष्णा कुमार को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। साथ ही विजिलेंस ने दालत दोस्त उदित को भी गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तारी के बाद विजिलेंस की टीम आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मैं डीजीपी शत्रुजीत कपूर के पास गया, उनसे जी बात करी। उन्होंने अपना बेस्ट ऑफिसर कहा कि आप विश्वास रखो, मुझे आश्वासन दिया। और डीएसपी कैलाश चंद कहते हैं बेस्ट ऑफिसर हैं, ये आपका साथ देंगे। और उन्होंने आज रेड हैंडेड पकड़वा दिया इसको। आइए, आज क्या हुआ था ये बताइए। आज ये 10,000 रुपये में लेके गया था पूरी प्लानिंग के साथ। विजिलेंस ऑफिसर जो है ये चौकी में गए थे? हाँ जी, चौकी में गया था। मैंने उन्हें दे दिए, उन्होंने ड्रॉअर में रख दिए, फिर जैसे मैं निकल गया उन्होंने जेब में रख लिए। और जी डीएसपी कैलाश चंद जी ने उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया। क्या आपने खुद अपने हाथों से दिए थे? खुद अपने हाथों से मैंने। दो लोग पकड़े गए थे, इतना कौन कौन है? एक मेरे साथ समीर शर्मा का एक दोस्त था, जो कि क्या नाम है उसका, उदित वधवा। उदित वधवा की गिरफ्तारी हुई है। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में इतना ही, देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस।